बेटा हमने पिछले वीडियो में तत्पुरुष समास को समाप्त कर दिया। अब तक दादा के क्रम में तीन समास आपके हो चुके हैं, अतिभा, बहुव्रीहि और तत्पुरुष। अब अगला समास अब थ और क, तो कर्मधार है। क्या कर्मधार है? अगला समास आएगा कर्मधार है समास। ये होगा आपका चौथा समास कर्मधार, कर्मधार है समास, कर्मधार है समास। सबसे पहले हम इसको जान लें कि कर्मधार है समास आगे होता क्या है। देखिए बेटा कि कर्मधार है समास में विशेषण और विशेष्य की स्थिति रहती है। किसकी? विशेषण और विशेष्य की। विशेषण जो विशेषता बताता है, जो विशेषता बताता है, इसे उपमान भी कहते हैं। उपमान भी कहते हैं। और विशेष दूसरा क्या आता है? दूसरा पद क्या होता है? विशेष, यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है इसे उपमेय भी कहते हैं। इसको विशेष्य को उपमेय कहते हैं, विशेषण को उपमान, उपमेय भी कहते हैं। सुनिए, कर्मधारय समास में प्रत्येक समास की तरह दो ही पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो इसमें क्या होता है कि एक पद विशेषण का होता है और दूसरा पद होता है विशेष्य का। चाहे उन पदों में क्रम भंग वाली स्थिति हो जाए कि पहला पद विशेषण हो जाए दूसरा पद विशेष हो जाए, अथवा पहला पद विशेष हो जाए दूसरा पद विशेषण हो जाए, लेकिन स्थिति वही रहती है कि दोनों ही पद परस्पर उपमेय और उपमान के संबंध से जुड़े होते हैं। तो बेटा अब कर्मधारय समास की परिभाषा लिखेंगे कि जिस सामासिक रचना में एक पद विशेषण और एक पद विशेष्य होता है, विशेष्य होता है, तथा दोनों के मध्य उपमेय व उपमान का संबंध रहता है उसे कर्मधारय समास, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें विग्रह करने पर रूपी शब्द का भी प्रयोग होता है, रूपी शब्द का भी प्रयोग होता है। जैसे देखिए अब समस्त पद समास में जैसे देखेंगे तो हम सामान्य सा शब्द दे लेंगे अपन, नीलाकाश यानी नीला। ये पद देखिए विशेषण हो गया और आकाश जो उत्तर पद है वो क्या हो गया? विशेष। तो आकाश जो उत्तर पद है उसकी विशेषता बताई जा रही कि वो कैसा है? नीला। तो नीला है जो
जो आकाश पीतांबर, पीतांबर यानी पीत, पीत कहते हैं पीला, पीत है जो अंबर, अंबर यानी वस्त्र, क्रोधाग्नि जो है क्रोध रूपी अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि या क्रोध को क्या मान लिया, अग्नि मान लिया, है ना। वचनामृत वचनामृत तो अमृत रूपी वचन, अमृत रूपी वचन। श्वेतांबर श्वेत है जो अंबर, गज मदन गज यानी कहते हैं हाथी को, गज जैसा बदन, गज जैसा बदन, बदन यानी शरीर। दिगंबर, दिगंबर में दिक, दिक कहते हैं दिशा को, दिक रूपी अंबर। नील कमल, नीला है जो कमल। ये आपका हुआ कर्मधारय समास।